वेलकम बैक टू द सेकेंड पार्ट ऑफ माई मदर मनी व्लॉग। और जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि हम लोग एक दिन के लिए मदर मनी आए हैं, क्योंकि बुनान का फर्स्ट टाइम है। हम लोग उसको लेके अभी तक कोई टूर हमने किया नहीं है, तो इसीलिए एक दिन के लिए ही आए थे। तो जिन्होंने अभी भी मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है व्लॉग का, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से जाके देख लीजिएगा। तो अभी हम लोग, जैसे कि लास्ट पार्ट में आपने देखा था कि हम लोग एक जगह पे घूमने के लिए गए थे, उन्होंने बोला था कि रेड क्रैब देखने को मिलेगा, जो कि हमें नहीं मिला। तो फिर हम वहीं से फिर वापस रिजॉर्ट में चले गए। रिजॉर्ट पहुँचते पहुँचते हमें लगभग वही 7 बज गए थे। तो बुनान तो गाड़ी में ही सो गया, और उसके बाद हम लोग पहुँचे। तो फिर बुनान फिर होटल में थोड़ी देर सोया रहा। 8 बजे के करीब फिर हम लोग सब, मतलब बुनान उठा, मैं तो सोई नहीं थी, मेरे हस्बैंड और बुनान थोड़ी देर के लिए सो गए थे। यहाँ पे बुनान अपने पापा की नकल कर रहा है। उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले खाना ऑर्डर करने के लिए फ़ोन किया था, तो इसके बाद इसने फ़ोन उठा के हेलो हेलो करना शुरू कर दिया था। खाने में हमने थाली ऑर्डर की थी जिससे कि बुनान भी खा पाए, तो बुनान ने थोड़ा बहुत दाल चावल खाया, और फिर उसको बहुत तीखा लग रहा था, तो फिर उसने, मैंने थोड़ा सा दूध में चावल मिला के उसको खिला दिया था। फिर डिनर करने के बाद हम लोग थोड़ी देर रात में टहलने निकले। ये रिजॉर्ट के पीछे साइड में बैठने की जगह थी, तो वहीं पे हम लोग आके बैठे थे। और रात में मंदारमुनि के सारे रिजॉर्ट्स का गेट बंद हो जाता है 10 बजे के करीब, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया था, तो उसके बाद से हर गेट 10 बजे तक बंद हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग वही गेट के पास आके ही यहाँ पे समुंदर देख रहे हैं, और फिर थोड़ी देर यहाँ पे हम लोग बैठे थे। अभी हम लोग डिनर वगैरह हमारा हो चुका है। हम लोग अभी आए हैं यहाँ पे थोड़ी सी हवा खाने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। देखिए मेरी हालत, और ये देखिए, हम लोग एकदम प्रिकॉशन वगैरह लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं। আসছি চলো, আসছি আসছি আসছি, চলো তুমি আগে আগে চলো, আগে আগে চলো, বাবার সাথে যাও। আচ্ছা হাত ধরবে না, এমনি যাবে, একা একা যাবে বুনা। ये रिजॉर्ट वैसे ठीक ठाक ही थी। जैसे मैंने आपको पहले बताया, मंदारमुनि के रिजॉर्ट्स थोड़े से एक्सपेंसिव है, लेकिन ये हमने एक थर्ड पार्टी साइट से बुक की थी, तो हमें 2000 पर नाइट पड़ा था। रिजॉर्ट ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं बोल सकते हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 8, और हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए आए हैं। ब्रेकफास्ट हमारे मतलब कॉस्ट में ही इंक्लूडेड था, तो ब्रेकफास्ट फ्री था, तो हम लोग ब्रेकफास्ट करके अभी 11:30 बजे हमारा चेकआउट है। ब्रेकफास्ट में हमने टोस्ट और ऑमलेट लिया था, बुनान को भी मैंने ब्रेड खिला दिया था।
थोड़ी देर में ही हम चेकआउट करने वाले हैं, उससे पहले हम थोड़ी सी यहाँ पे समुंदर, थोड़ी देर के लिए समुंदर देखने आए थे, तो अभी हम चेकआउट कर लेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि हम सिर्फ एक दिन के लिए ही आए थे, और अगर आपके घर में भी कोई टॉडलर है और आप अभी तक अपने बच्चे को लेके कहीं पे निकले नहीं हैं, कोई टूर या ट्रिप आपने किया नहीं है, तो आपको कुछ कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। जैसे कि अगर आप एक इलेक्ट्रिक केटल ले पाए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा, तो आप उसमें गर्म पानी वगैरह बना सकते हैं। और अगर आप कहीं जा रहे हैं तो जाते साथ ही आप देख लीजिएगा कि मतलब काउ मिल्क कहाँ पे अवेलेबल है, क्योंकि वो आप कैरी नहीं कर सकते हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। या फिर अगर जो होटल में आप रुक रहे हैं वहाँ पे अगर अवेलेबल है तो बहुत ही अच्छा है, वहाँ से आप उसको गर्म करके ले सकते हैं। और आपको कुछ बातों का और ध्यान रखना पड़ेगा कि छोटी छोटी चीज़ें आपको कैरी करनी पड़ेंगी, जैसे कि कुछ स्नैक्स के आइटम हो गए, फिर नमक चीनी वगैरह थोड़ा बहुत कैरी कर लीजिएगा, और दही आप ले सकते हैं मार्केट से। अगर बच्चे को आप राइस और कर्ड भी खिला सकते हैं अगर आपका बच्चा दही खाता है तो बस इन्हीं बातों को ध्यान में रख के अगर आप भी कोई ट्रिप करना चाहते हैं तो होपफुली ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। तो चलिए फिर हम लोग अभी निकलने वाले हैं थोड़ी देर में, उससे पहले और थोड़ी देर पानी में थोड़ी सी मस्ती कर लेते हैं समुंदर में, और फिर और कब आएंगे पता नहीं। तो बुनान और हम भी जाना ही नहीं चाह रहे हैं, लेकिन क्या करें, अब जाना तो पड़ेगा। तो हमने चेकआउट कर लिया है और हम वापस अभी जा रहे हैं बस स्टैंड की तरफ कोलकाता वापस आने के लिए। तो यहीं तक का था आज का व्लॉग, और होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक यू, मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।